यह बात है वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की। जब सरदार पटेल का निधन हो जाता है तो सरदार पटेल के निर्देश अनुसार 35 लाख से भरा बैग, जो रुपए पार्टी के थे और पार्टी की खाता बुक लेकर वह दिल्ली के लिए रवाना होती है। दिल्ली जाकर वह नेहरू से मिलती है और नेहरू को वह बैग दे देती है। नेहरू बैग ले लेते हैं और केवल धन्यवाद कह के चले जाते हैं। मणिबेन को आशा थी कि वह कुछ और भी पूछेगा। आशा ऐसी थी कि वह केवल पूछ सकता था कि अब आगे की जिंदगी वह कैसे गुजारेगी, कैसे प्रबंधन करेगी, या कम से कम वह पूछ सकते थे कि उनकी मदद वो किसी भी रूप से कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं और वह चले गए। इसलिए मणिबेन भी उठकर चली जाती है। मणिबेन बताती है कि वह बेहद निराश थी और इस घटना ने एक तरह से नेहरू और सरदार पटेल के संबंधों में तनाव को उजागर किया था। यह देखना काफी दुखद था कि नेहरू और कांग्रेस के किसी अन्य राष्ट्रीय नेता ने जानने की जहमत न उठाई कि पिता के मृत्यु के बाद मणिबेन के साथ क्या हुआ था। सरदार पटेल ने राष्ट्र के लिए जो भी बलिदान दिया, यह बहुत दुखद था कि राष्ट्र ने उनकी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया। मणिबेन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, उनका स्टैचू करमसद में सत्कर्म चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा 31 अक्टूबर 2022 को उनकी याद में रखा गया है।